जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है इस वीडियो में। एक बहुत बड़ी और बहुत ही खास अपडेट बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित, जिन बच्चों को समस्या थी उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। अगर हम खास तौर पे बात करें कि जिन बच्चों ने बीटेक किया था या जिन बच्चों ने बीसीए किया था, वह इस बात की शिकायत थी कि वह 6-8 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है बीपीएससी के वेबसाइट पे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि ये दो लोग जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, वो अभी अब बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो अभी शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें वो आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये नोटिफिकेशन है, कंप्लीट नोटिफिकेशन क्या है और किस तरीके से नोटिफिकेशन में संशोधन किया गया है। सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों बीपीएससी का, बिना किसी डाउट के अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि मॉडिफिकेशन इन द क्वालिफिकेशन फॉर 6-8 अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी कि 6-8 की जो भर्ती आ रही थी उसकी क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। क्या किया गया विस्तृत पढ़ेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको ओपन हो जाएगा आपका ऑफिशियल वेबसाइट और इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे साफ तौर पे, खास तौर पे बीसीए एमसीए और बीटेक वालों के लिए टिप्पणी की गई है कि हाँ वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो आइए जरा वन बाई वन इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि कंप्लीट क्या है भाई, कंप्लीट क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों एक और शिकायत होती है कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन में 50% नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है और मैंने बीएड किया हुआ है, तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ नहीं। कंप्लीट यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं उनकी बात कर लूँ, देखिए यहाँ पे साफ तौर पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, यही वो बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 6-8 वर्ग के विद्यालय पद अध्यापक पद नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नत होगी, मतलब जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है। अब इसमें आप एक पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए कि साफ तौर पे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे। साफ तौर पे यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड की क्रियाविधि विनियम नियम 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषता हो तथा बीएड, जिसने इंजीनियरिंग से स्नातक किया हो यानी कि जिसने बीटेक किया हो, खासतौर पे वो ब्रांचेस वो स्ट्रीम जिसमें मैथ्स और साइंस की प्रायोरिटी हो उसमें इनकी क्या की स्पेशलिटी यानी कि विशेषता। अब ये बच्चे अगर बीटेक के बाद से बीएड किए हैं तो वो बिना किसी डाउट के दोस्तों आप यहाँ पे 6-8 में आवेदन कर सकते हैं। 6-8 में यहाँ पे क्या कर सकते दोस्तों, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एक और नोटिफिकेशन जो आपसे दिया गया है वो क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे आप यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो बीसीए वाले बच्चे हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीसीए तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी नाम से जाना जाता हो, अथवा बीएड, जैसे मान लीजिए किसी ने अगर बीसीए किया है, बीसीए करने के बाद अगर उसने डीएलएड किया है या बीटीसी किया है, किसी भी नाम से जाना जाता हो, अथवा बीएड किया है अथवा बीएड विशेष शिक्षा से किया है, अथवा न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ एमसीए किया है और 3 वर्षीय कृत, तो ये लोग भी आवेदन करने का, मतलब अगर आपने बीसीए किया है, एमसीए किया है, इन कोर्सेज के बाद अगर आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है या फिर आपने बीएड एजुकेशन किया है या फिर 3 वर्ष का बीएड एमएड किया है, तो आप लोग भी 6-8 में आवेदन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों कंप्लीट जो नोटिफिकेशन में चेंजेस आई थी वो यही थी कि दो, खासतौर पे दो कोर्सेज बच्चों जैसे बीसीए बीटेक वालों के लिए अपडेट है कि वे भी अब 6-8 में क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, एक और समस्या ये बच्चे पूछते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन में 50% अंक नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक है, क्या मैं टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हूँ या नहीं हूँ, सॉरी एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए खास तौर पर क्या लिखा है, कम से कम देखो दोस्तों, कम से कम 50% अंकों के सहित स्नातक या स्नातोत्तर, मतलब 50% के साथ या तो ग्रेजुएशन या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में 50% है इट्स वेरी गुड, अगर आपका ग्रेजुएशन में ना हो के पोस्ट ग्रेजुएशन में देन ऑल्सो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि या स्नातक या स्नातोत्तर या तो यूजी में या तो पीजी,
तथा बीएड और इसके साथ बीएड रहेगा तो आप 6 to 8 में क्या कर सकते हैं भाई, आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी की ये क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की गई नोटिफिकेशन है। तो अगर आप में से किसी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम से आप आवेदन नहीं कर पा रहे थे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपडेट कर दी गई है, आप ज़रूर आवेदन करें। बहुत अच्छी भर्ती आ रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार जो बिहार की सरकार जो शिक्षक भर्ती दे रही है दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि ये ऑन टाइम ये जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करते हैं। तो ये सुनहरा मौका आप हाथ से जाने मत दीजिएगा। अगर आप आवेदन कर सकते हैं आवेदन करिए, 1 महीना ऑलमोस्ट की टाइम है, आप बढ़िया से तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए, अपने कोर सब्जेक्ट जो हैं उसका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, एनसीईआरटी पढ़िए और जम के मेहनत करिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आगामी शिक्षक भर्ती के लिए। मैं आशा करता हूं, मैं दुआ करता हूं कि आप जरूर एक शिक्षक और शिक्षिका बने और देश की सेवा करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, बाकी जैसे भी कोई अपडेट आएगी आपको बताया जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आप वीडियो पसंद आई हो जानकारी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो की राय, प्रतिक्रिया, सुझाव, सलाह आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, डेफिनेटली उस पर अमल किया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए, देखते रहिए, साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।